हेलो स्टूडेंट, हम आज बात करते हैं क्लास टेंथ में हमारा जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर चला हुआ है उसके अंदर आज हम बात करते हैं ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्मासूत्री अभिक्रियाओं के बारे में। ऊष्माक्षेपी आप समझ गए होंगे, क्षेपी ऊष्मा को क्या करेगी, लिकारेगी यानी कि उत्सर्जित करेगी। ऊष्मा क्या करेगी, क्षेपी मतलब उत्सर्जित करना। और जो ऊष्माशोषी है यानी कि शोषी का मतलब ग्रहण करना, यानी कि सोखना यानी कि ग्रहण करना अपने अंदर ही ले लें, ये क्या करेगी ऊष्मा को ग्रहण करेगी। ये समझ में इससे पता लगा ऊष्मा क्षेपी, क्षेपी यानी कि ऊष्मा को क्या करेगी, अलग करेगी यानी कि लिकारेगी रिएक्शन करते समय। ऊष्मा शोषी यानी कि शोष को मतलब ग्रहण करना यानी कि सोखना, तो ये क्या करेगी अपने अंदर ऊष्मा को लेगी सोख। तब बात करते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएँ। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएँ होंगी क्या, वे रासायनिक अभिक्रियाएँ क्या होंगी, वे रासायनिक अभिक्रियाएँ जिनमें ऊष्मा मुक्त होती है, क्या होगी ऊष्मा मुक्त होगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएँ कहलाती हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ, देखो वे रासायनिक अभिक्रियाएँ जिनमें ऊष्मा क्या होगी मुक्त होगी वे ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएँ कहलाती हैं, क्या होंगी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएँ कहलाएंगी। यहाँ तक बहुत क्लियर हो जानी चाहिए ये बात आपकी। इसमें देखते हैं, जैसे हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की जब क्रिया कराते हैं, देखो जब हम नाइट्रोजन के हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करते हैं, नाइट्रोजन के जब हम हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हमारे बनते हैं, जब नाइट्रोजन की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो हमारा एक सॉल्यूशन बनेगा, क्या बनेगा एक प्रोडक्ट देगी, क्या बनेगा अमोनिया NH3, क्या बनेगा अमोनिया NH3 प्लस क्या लिख रहेगी हीट, क्या लिख रहेगी हीट, ठीक हीट लिख रहेगी। अब देखो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन इधर दो हैं, हाइड्रोजन इधर कितने तीन, हाइड्रोजन इधर दो हैं, हाइड्रोजन इधर कितने तीन, तो इसकी दो की मल्टीप्लाई करो कितना हो गया छः, कितने हो गए हाइड्रोजन छः, अमोनिया पूरे कंप्लीट दो हो गए, हाइड्रोजन छः है गए तो इसमें भी कितने मल्टीप्लाई करते हैं आगे तीन, तो ये कंप्लीट हुआ, ठीक। इस प्रकार के बैलेंस करना भी मैंने आपको सिखा रखा है, तो इस प्रकार से हम इन्हें बैलेंस भी करते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं, जैसे यदि हम अमोनिया की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराएं, किसके साथ ऑक्सीजन के साथ कराएं, तो ये क्या क्या देगी नाइट्रिक ऑक्साइड, क्या देगी हमें नाइट्रिक ऑक्साइड देगी प्लस, नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ ये हमें क्या देगी H2O, क्या देगी H2O, ठीक H2O के साथ प्लस क्या देगी हीट, ये चीज़ हमें मिलेगी। नाइट्रोजन की जब अमोनिया की क्रिया ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो हमें नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेगा और जल मिलेगा, क्या मिलेगा जल मिलेगा, और प्लस उसके साथ क्या मिलेगी हीट, क्या मिलेगी हीट। अब यहाँ देखो N कितने हैं, यहाँ पर N है एक इधर और N भी इधर एक है। अब आज बात आती है फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर कितने कितने, इधर तो तीन है, इधर कितने दो, कितने दो। अब बात आई फिर यहाँ देखो ऑक्सीजन कितने एक और एक दो, ऑक्सीजन कितने दो। अब यहाँ जो देख रहे हो आप कितने हैं तीन, कितने तीन, इनका ऐसा गुणनफल लेना जो कि इन दोनों के दो और छः का गुणनफल ऐसा लेना है कि पूर्ण संतुलित हो जाए, क्या हो जाएगी तीन दूनी छः। यदि हाइड्रोजन के मैं कितने ले लूँ छः ले लूँ तो हमारी बात बन जाएगी, तो कितने छः, अब कितने हो गए बारह, कितने हो गए बारह, और इधर बारह करने के लिए मैं कितने करता हूँ चार की मल्टीप्लाई, कितने की चार की, ये बात सीज है। अब देखो हमें तीन और इधर दो था, तीन और दो का ऐसा एक कॉमन फैक्टर लेना था कि जो इनके कंप्लीट करते तो क्या हो जाएगा तीन छः, दो और तीन और छः, तो हमने छः लिया इसके साथ। अब हमें इधर कितने हो गए बारह, और इधर बारह करने चार दिया बारह, चार दिया बारह। अब नाइट्रोजन कितने हैं, अब नाइट्रोजन कितने हो गए चार, नाइट्रोजन चार हो गए तो इसके साथ भी हम चार की मल्टीप्लाई कर दें, हम चार की मल्टीप्लाई करी तो ये कितने हो गए चार। अब देखो ऑक्सीजन कितने हो गए छः, चार दस, कितने हो गए दस, तो पाँच के हमें मल्टीप्लाई कर दें, क्लियर हुआ, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, क्लियर। अब बात करते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया की, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कौन सी होंगी, वे अभिक्रियाएँ जिनमें ऊष्मा का शोषण होता हो यानी कि शोषण होगा, तो वह ऊष्माशोषी अभिक्रियाएँ कहलाएंगी। वे अभिक्रियाएँ जिन्हें उत्पादन करने के लिए यानी कि उत्पाद बनाने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होगी, वे कौन सी ऊष्माशोषी अभिक्रियाएँ जिन्हें बिना ऊष्मा के वे अपनी रिएक्शन कंप्लीट ना कर सकें, तो
तो वे कौन सी क्रिया कहलाएंगी? उष्माशोषी अभिक्रिया। इसमें एग्जांपल आप ले सकते हैं जैसे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर नाइट्रिक ऑक्साइड यानी कि बनाएंगे, तो नाइट्रोजन कितने यहाँ पर दो, तो इधर भी दो, ऑक्सीजन कितने हो गए दो, तो ऑक्सीजन भी दो, कंप्लीट इस प्रकार से। पर इन अभिक्रियाओं को होने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? हीट की। किसकी? हीट की। किसकी आवश्यकता होगी? हीट की। प्लस जैसे कार्बन ले लिया और एच टू ओ लिया, कार्बन लिया और एच टू ओ लिया, इसके साथ इन्हें किसकी जरूरत होगी? हीट की। किसकी? हीट की। तो ये क्या बनाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बना दी, प्लस क्या बनाएंगी? कार्बन मोनोऑक्साइड और एच टू, कार्बन मोनोऑक्साइड और एच टू, कम्प्लीट हुआ आंसर। ये चीज़ क्लियर। इसके साथ जैसे नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के ऑक्सीजन के साथ क्रिया बनी, नाइट्रिक ऑक्साइड बना दी, अच्छा कार्बन की H2O के साथ भी क्रिया करी जल के साथ, तो ये क्या हो रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड CO और H2O, क्या बना दी? H2O। यहाँ तक ये अभिक्रियाएं दोनों समझ में आई होंगी, ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा शोषी क्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। ऊष्मा क्षेपी का मतलब यानी कि ऊष्मा को क्या करें? निकालें। ऊष्मा को क्षेपी का मतलब क्या? देखो ऊष्मा क्षेपी है तो वे अभिक्रियाएं जो ऊष्मा को क्या करेंगे? मुक्त करेंगे यानी कि निकालेंगे, तो ये हमें हीट देंगी। क्या करेंगी? हीट देंगी। जैसे जब नाइट्रोजन का हम हाइड्रोजन के साथ क्रिया करी तो हमें अमोनिया गैस मिलेगी। क्या मिलेगी? अमोनिया गैस। ठीक, यहाँ तक। फिर जब हमने अमोनिया की जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करी, अमोनिया की जब हमने ऑक्सीजन के साथ क्रिया करी तो हमें क्या देती है? नाइट्रिक ऑक्साइड और H2O। क्या देती है? H2O यानी कि जल, प्लस हीट देगी। क्या देगी? हीट। तो ये क्या है? ऊष्मा छेपी यानी कि ऊष्मा को क्या करें? रिलीज कर रही है। क्या कर रही है? हीट दे रही है हमें। तो कौन सी अभिक्रिया? ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया यानी कि सोखना यानी कि ग्रहण करना, जो वे अभिक्रियाएं जो अपने आप में ऊष्मा लेंगी यानी कि ये क्रिया करने से पहले क्या ले रही है? हीट ले रही है यानी कि हीट यानी कि ऊष्मा को ले रही है, जो ऊष्मा ले रही है ऊष्मा को ले रही है, तो वे अभिक्रिया कौन सी कहलाएंगी? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या कहलाएंगे? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। हाँ तक क्लियर का थी? ये दो पॉइंट आपके आज क्लियर हुए होंगे, ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। कल हम अपचयन और उपचयन के बारे में हम बात करेंगे, अपचयन और उपचयन अभिक्रियाओं के बारे में हम कल बात करेंगे। यदि आपने पिछली वीडियो ने देखी है तो उन वीडियो को भी ज़रूर देखें, जिससे कि आने वाले सारे पॉइंट आपके क्लियर हो जाए। ओके, थैंक यू।